अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। और ये देखें, ये मैं आपको आज क्या दिखा रही हूँ। ये इतनी बड़ी छिपकली, और ये हमें नज़र आई हमारे खाला के घर में। और ये जो छिपकली है, ये उनके घर में इस तरह नॉर्मली आती है दोपहर में, कभी बेड के नीचे, कभी सोफ़े के नीचे। और वो लोग डरते भी नहीं हैं, हम लोग के जो कज़न्स हैं, और उनके लिए तो बहुत नॉर्मल बात है, लेकिन हम बहुत ज़्यादा शौक हैं। हमने जब ये देखा कि ये क्या चीज़ है भाई, इतनी बड़ी और इतनी ख़तरनाक। अच्छा, और इसका एक टाइम है, ये उसी टाइम पे निकलती है और ये किसी को कुछ कहती नहीं है, लेकिन ये कि हमें डर बहुत लगता है इससे। और मज़े की बात ये कि ये इंसानों से डरती है और इंसान इससे डरते हैं। और इसके अलावा जो है, ये अपने टाइम पर आती है और फिर इसी तरह से छुप जाती है, कहीं पीछे चली जाती है। लेकिन ये जब आती है तो ये उनके चूज़े भी खा जाती है। ये उनके घर में जो भी मुर्गियां वगैरह हैं, वो सब इसकी ये कोशिश होती है कि उन पर हमला करे, उनको खा जाए। असल में हम लोगों की जो खाला का घर है, या हम लोगों का जो ताल्लुक है, वो मर्दान से है। और मर्दान में ये बड़ी नॉर्मल सी बात है इस तरह की चीज़ें, वहाँ गर्मियों में अक्सर सांप वगैरह हो गए, ये चीज़ें हो गई, तो बहुत नॉर्मल है वहाँ पर, ये चीज़ें होती हैं। चले जी, यहाँ पे मैं अपना ब्लॉग ख़त्म करती हूँ, और दोबारा भी आपको इस तरह की वीडियोस मैं इंशाल्लाह बना के दिखाती रहूँगी। और थैंक यू फॉर वॉचिंग, और डू सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल प्लीज़। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, और अब इंशाल्लाह दूसरी वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।